नमस्कार। सो आज आम क्लास इलेवेन माइक्रो इकोनॉमिक्सर प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन कन्सेप्ट डिस्कशन करो डिस्कशन करम क्लियर। क्लास टू आम सी आर एस कन्सेप्ट डिस्कशन करूँ कन्स्टेंट रिटार्णस टू स्केल। ओके, सो आज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जी आई आर एस कन्सेप्ट इनक्रीजिंग रिटार्णस टू स्केल कन्सेप्ट डिस्कशन करम। ओके, बोला आरम्भ करूँ। सेकेंड जी कन्सेप्ट आज आई आर एस मीन्स इनक्रीजिंग रिटार्णस टू स्केल नम्बर टू। ओके, व्हाट इनक्रीजिंग रिटार्णस। ओके, इनक्रीजिंग रिटार्णस टू स्केल क्लियर आई आर एस। ओके, इतना क्वेश्चन हल आई आर एस कन्सेप्ट आमी जानो आई आर एस सी आर एस ऑल आर लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को ऑलरेडी ये चीज़ पता है बोथ फैक्टर चेंजेस एट द सेम रेट क्लियर। अगर बोथ फैक्टर चेंजेस एट द सेम रेट मतलब एल लैम्डा टाइम चेंज हुआ कैपिटल भी लैम्डा टाइम चेंज हुआ मान लो तब प्रोडक्शन जितना होगा ना वो लैम्डा टाइम से ज़्यादा चेंज होगा। मतलब उधर मैंने लैम्डा के ऊपर डिग्री टू लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ फैक्टर दोनों चेंज हुआ लैम्डा टाइम्स, मतलब फैक्टर दोनों चेंज हुआ लैम्डा टाइम्स बट आउटपुट इंक्रीजेस। ओके, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन लैम्डा टाइम। मतलब दोनों फैक्टर लैम्डा टाइम चेंज हुआ लेकिन आउटपुट लैम्डा टाइम से ज़्यादा चेंज हुआ। मतलब दोनों फैक्टर जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ आउटपुट उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ क्लियर, तब ये चीज़ हो जाएगा आई आर एस क्लियर। मतलब आई आर एस कॉन्सेप्ट में बोथ फैक्टर इंक्रीजेस बाय लैम्डा टाइम्स मतलब सेम रेट तो आउटपुट लैम्डा टाइम से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा क्लियर। लेकिन दोनों फैक्टर सेम रेट में चेंज होगा बिकॉज इट इज़ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर। अगर टेबल में ये चीज़ देखो ना, टेबल में अगर ये चीज़ देखो तो ये होगा, क्या होगा मान लो दिस इज व्हाट लेबर, दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, दिस इज टोटल प्रोडक्ट मीन्स क्यू, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर। अगर ये चीज़ होगा तो इधर एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। प्रोडक्शन मान लो 10 लिख दिया, इधर मैंने 30 लिख दिया, इधर 60 लिख दिया, इधर 100 लिख दिया, हो गया। देखो दोनों फैक्टर सेम रेट में चेंज हुआ लेकिन आउटपुट इंक्रीज हुआ लेकिन ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो एम पी अगर निकालो तो एम पी इधर से इधर माइनस करो तो 20 निकलेगा, इधर से इधर माइनस करो तो 30 निकलेगा, इधर से 60 माइनस करो तो 40 निकलेगा। मतलब इन दैट सिचुएशन एम पी व्हाट इंक्रीजेस, मतलब दोनों फैक्टर इंक्रीज हुआ सेम रेट लेकिन आउटपुट इंक्रीज हुआ मोर देन दैट रेट मतलब लैम्डा टाइम से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। दोनों फैक्टर को मान लो जितना बढ़ाया आउटपुट उस हिसाब से नहीं बढ़ा, उससे ज़्यादा बढ़ गया क्लियर। मतलब दोनों फैक्टर इतना बढ़ाया तो आउटपुट इतना बढ़ गया क्लियर। इसका मतलब ये हुआ मान लो दोनों फैक्टर को मतलब जो लेबर एंड कैपिटल है ना, लेबर एंड व्हाट कैपिटल क्लियर, ये दोनों को मैंने इतना प्लस इतना करके बढ़ाया तो उसके बाद आउटपुट जो बढ़ा ना वो ज़्यादा बढ़ा क्लियर। मतलब फैक्टर दोनों सेम रेट में बढ़ा, ये भी मान लो लैम्डा टाइम्स में बढ़ा, ये भी लैम्डा टाइम्स बढ़ा लेकिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया मतलब लैम्डा टाइम से ज़्यादा बढ़ा तो डिग्री टू या थ्री लिख दिया क्लियर। मतलब फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ा आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ गया क्लियर। मतलब फैक्टर इतना बढ़ाया लेबर को, इतना बढ़ाया कैपिटल को, तो मैंने देखा प्रोडक्शन में जाके इतना सा प्रोडक्शन हो गया, मतलब अच्छा ही लगेगा ना। फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ाया मतलब इंक्रीमेंट किया लेकिन मेरा प्रोडक्शन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया ना दिस इज सेड टू बी आई आर एस मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब आई आर एस क्लियर। मतलब फैक्टर लैम्डा टाइम्स बढ़ेगा तो आउटपुट लैम्डा टाइम से ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब
L increases by lambda times plus K increases by lambda times, then output increases, suppose more than lambda times. ये जो मैंने डिग्री 3 लिखा ना, इसका मतलब हो गया आउटपुट लैम्डा टाइम से ज़्यादा बढ़ा, मतलब डिग्री 1 नहीं लिखा मैंने, क्लियर। तो अगर ये सिचुएशन आएगा तो एम पी इधर बढ़ा था, तो एम पी अगर बढ़ेगा तो एम पी का डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब अपवर्ड स्लोप होगा। दिस इज व्हाट कर्व एम पी का, इधर एम पी लिख दो, इधर फैक्टर्स लिख दो, क्लियर। तो इधर देखो एम पी धीरे धीरे बढ़ते गया, एम पी 20 30 एम पी 40, ये जो एम पी धीरे धीरे पॉइंट में बढ़ते गया ना, एम पी बढ़ते गया ना, दिस इज सेड टू बी फॉर आई आर एस, मतलब सी आर एस में एम पी का इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट आई आर एस कॉन्सेप्ट में एम पी का बोलो स्लोप अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लियर। बिकॉज आई आर एस कॉन्सेप्ट में बोथ फैक्टर इंक्रीजेज बाई लैम्डा टाइम्स, बट आउटपुट इंक्रीजेज मोर 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 देन lambda times, clear. So that concept is said to be IRS or increasing returns to scale, non-linear homogeneous production function, degree greater than 1, clear हो गया। उस हिसाब से अगर तुम decreasing returns to scale वाला concept देखो ना, decreasing returns to concept वाला देखो, तो वो भी तुम्हारा decreasing, clear. So decreasing returns to scale वाला concept देखो ना, तो वो जस्ट आई आर एस के उल्टा होगा, मतलब लेबर को मैंने लैम्डा टाइम्स बढ़ाया, कैपिटल को मैंने लैम्डा टाइम्स बढ़ाया, लेकिन आउटपुट लैम्डा टाइम्स से कम बढ़ा, मतलब मैंने 0.2 लिखा, 0.2 डिग्री, 0.2 मतलब एक से कम, क्लियर। इसमें दोनों फैक्टर लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन आउटपुट बढ़ा, किंतु शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ता नहीं है, घटता है, इसमें निगेटिव रिटर्न्स था, क्लियर। लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्शन घटेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, क्लियर। सो दोनों फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा, क्लियर। मतलब फैक्टर जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट उससे कम इंक्रीमेंट हुआ, क्लियर। सो फैक्टर इंक्रीजेस बाय लैम्डा टाइम्स, बट आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन लैम्डा टाइम्स, लेस देन लैम्डा टाइम्स मैंने बोला, क्लियर। और इन दैट प्रोडक्शन फंक्शन एम पी डेफिनेटली व्हाट, डिमिनिशेस। अगर एम पी डिमिनिश होगा तो इसमें क्या होगा, देखो लेबर लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, क्यू लिख दिया, क्यू मतलब टी पी, इधर एम पी डाल दिया, क्लियर। अगर इसमें तुम देखो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 डाल दिया, तो प्रोडक्शन देखो क्या हो रहा है, 20, इधर मैं 20 लिख देता हूँ, इधर मैं 25 लिख देता हूँ, इधर मैं 27 लिख देता हूँ। इधर देखो दोनों फैक्टर इंक्रीज हुआ सेम रेट में, आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, देखो 10 20 25 27 ग्रेजुअली बढ़ा दिन, तो लेकिन डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा। कैसे डिमिनिशिंग, एम पी निकाल लो 10, एम पी निकाल लो कितना 5, एम पी निकाल लो कितना 2, मतलब इन दैट सिचुएशन एम पी ग्रेजुअली व्हाट, डिक्रीजेस। इफ एम पी डिक्रीजेस बट इट इज पॉजिटिव, एम पी पॉजिटिव बट डिक्रीज हुआ लेकिन पॉजिटिव, क्लियर। सो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, क्लियर। सो डी आर एस कॉन्सेप्ट में बोथ फैक्टर इंक्रीजेस बाई लैम्डा टाइम्स और सेम रेट, आउटपुट इंक्रीजेस बट लेस देन लैम्डा टाइम, मतलब फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, कम रेट में बढ़ेगा, क्लियर हो गया। अगर एम पी इधर डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली एम पी का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब ये हो गया लेबर तुमने बढ़ाया लैम्डा टाइम्स, कैपिटल तुमने बढ़ाया सेम, ये जो सर्कल मैंने बनाया ना कैपिटल लेबर का, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन आउटपुट बढ़ा ये 0.2 क्यों, मतलब ये दोनों फैक्टर जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, लेकिन इसका इंक्रीमेंट देखो कम इंक्रीज हुआ, मतलब फैक्टर मान लो इसी हिसाब से बढ़ाया, आउटपुट भी बढ़ा लेकिन थोड़ा सा बढ़ा, क्लियर। फैक्टर जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ, मतलब ऐड किया, उस हिसाब से टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, बढ़ा लेकिन कम रेट में बढ़ा, क्लियर। सो दिस इज एक्चुअली डी आर एस कॉन्सेप्ट, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इन दैट सिचुएशन मैंने टेबुलेटेड फॉर्म में दिखाया एम पी डेफिनेटली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर एम पी डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इधर एम पी लिख दो 0, इधर फैक्टर्स लिख दो, ठीक है, एम पी का डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्लियर। बिकॉज फैक्टर्स इतना हुआ तो एम पी इतना, फैक्टर्स इतना हुआ तो एम पी डेफिनेटली क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अगर एम पी डिक्रीज होगा तो दिस इज कॉन्सेप्ट नथिंग बट
DRS, okay? मतलब DRS concept में MP curve slopes downwards from left to right, okay? तो finally long run production function में तुमको तीन concept मिला, CRS, IRS, DRS. CRS में MP curve remains constant, means MP curve parallel to x-axis because MP is fixed, clear? But IRS में MP curve slopes upward left to right because MP increases, but DRS concept में MP curve slope downward from left to right because MP decreases, clear? Finally, CRS में factors increases lambda times, output increases lambda times. IRS में factors increases lambda times, output increases more than lambda times. DRS में factor increases lambda times, means labor and capital, but output increases less than lambda times. कहा? DRS concept में. Okay, thank you.